दोस्तों मेरे YouTube चैनल सुनो गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नंगल। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए ईपीएस 1995 की पेंशन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं मिलवाती हूँ आपको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो है हमारे ही एक साथी ने मुझे डेटा भेजे हैं। काफी लोगों के डेटा मुझे प्राप्त हुए हैं, पर जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जानते हैं कि बनाने में काफी टाइम लगता है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि कैलकुलेशन करते समय जरा सी भी गलती ना हो, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और यदि जरा सी गलती हो भी जाए तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी लंबी एक्सेल सीट में ये पता लगाना कि कहाँ गलती रह गई है वो बड़ा मुश्किल होता है कितनी बार, तो इसलिए टाइम लगता है। तो मेरे पास जितने भी डेटा भेजे हैं लोगों ने, मैं वन बाय वन धीरे धीरे करके उसे बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज का जो डेटा है वो मिस्टर अजय पटेल हैं, इन्होंने भेजा है, एंड इन्होंने जो अपनी बेसिक भेजी है मुझे और ज्वाइनिंग डेट वगैरह भेजी है उसके हिसाब से मैंने इन्हें पूरा डेटा बनाया है। इनकी ज्वाइनिंग 94 में है और नवंबर 95 से ही, यानी ये ईपीएस के मेंबर हैं। जो नवंबर 94 में इन्होंने फरवरी 94 में इन्होंने ज्वाइन किया है और नवंबर 95 से ही ये इसके मेंबर हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जिनकी बेसिक उस समय काफी कम थी, यानी 1000-1200 रुपए के आसपास ही थी। तो ये एग्जाम्पल उन सभी के लिए है जिन लोगों की बेसिक कम थी। तो दिसंबर में नवंबर में इनकी 1250 बेसिक थी। 1250 में से नवंबर दिसंबर के लिए 625 आधा दिया जाएगा, इसलिए 52 रुपीज इनके जमा हुए होंगे, जबकि ईपीएफओ के हिसाब से 208 रुपए जमा होने थे। तो और इस तरह 1250, ये पूरी कैलकुलेशन इन्होंने खुद भेजी है मुझे कि इनकी ईयरली इंक्रीमेंट वगैरह कितने रहे होंगे, और उस हिसाब से ये कैलकुलेशन पूरी की गई है। तो वही मेथड है जो हम बार बार लेके आते हैं। इसमें मेन है कि हमें क्या देना पड़ेगा और क्या हमारी पेंशन बनेगी। तो मुख्य बात तो यह है कि इनका रिटायरमेंट 2030 में है, 2030 में ये 58 कंप्लीट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जो कैलेंडर बनाया हुआ है, मैंने जो कैलकुलेटर बनाया है वो 2048 तक का बना दिया है, और 2048 तक का बनाने के बाद में, और इसको सिंपल एक पेज में बनाया गया है, जबकि ईपीएफओ का जो कैलेंडर कैलकुलेटर है वो 5 पेजेस में है। तो 5 पेजेस को अलटना पलटना और समझना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने सिर्फ एक पेज का बनाया है, और एक पेज का बनाने के बाद में मुझे वही रिजल्ट मिलते हैं, वही फॉर्मूला है जो वहां पे है। तो इस तरह हर महीने इन्होंने बेसिक हमने निकाल ली है, और हम ईयरली इंटरेस्ट निकालते हुए जिस तरह ईयरली इंटरेस्ट उसमें निकाले गए हैं उसी तरह हमने ये पूरा का पूरा ईयरली इंटरेस्ट उसी भी प्रकार से निकाल लिया है, ईयरली इंटरेस्ट को हमने जोड़ते हुए। और इस तरह हम आज की डेट तक पूरी कैलकुलेशन करते हुए यदि इतनी बेसिक लेकर आज की डेट तक हम आ जाते हैं, तो आज की डेट में, आज की डेट मतलब जून 2023 तक यदि मैं लेंथ वाइज कैलकुलेट करूं, तो जून 2023 में आके इनकी जो फिगर बनती है वो कुछ इस तरह बनती है कि जो जून 2023 में, पहले तो हम ईयर एंड 2023 तक का निकाल लेंगे। जून 2023 की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आदमी को ये पता लगना चाहिए कि आज की डेट में मेरी स्थिति क्या है। आने वाले दिनों में एक अलग बात होगी और पेंशन अलग बात होगी, लेकिन आज की डेट में उसे पता तो लगना चाहिए कि आज की डेट में उसे कितना पैसा जमा करना है और कितना पैसा जमा करना है और कितनी पेंशन मिलेगी। तो आज की डेट में जब हम मार्च 2023 तक का कैलकुलेट करते हैं तो इनका 7,29,984 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे, और यदि मैं आज तक जून 23 की बात करूं तो जून 23 में आके इनको पूरा इंटरेस्ट सहित, मंथली कैलकुलेशन सहित, पिछले ये 3 महीने का इंटरेस्ट ये भी लगाकर 7,60,689,
ये इतना अमाउंट इनको आज की डेट में यदि 30 जून तक के सारे फैसले हो जाते हैं, जैसा कि पता लग रहा है कि 26 जून हमारी लास्ट डेट है, और 26 जून को जैसे ही लास्ट डेट फॉर्म भरने समाप्त होंगे उसके बाद ईपीएफओ अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर देगा। और जैसा उन्होंने पहले सर्कुलर में एक बार बताया था कि वो 20 दिन का टाइम देंगे और एक नोटिस जारी करेंगे, डिमांड लेटर जारी कर देंगे 20 दिन के अंदर। तो ये पुराने लेटर के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि पुराने लेटर के हिसाब से वो 20 दिन के अंदर जारी कर देंगे, मतलब जुलाई के अंदर सारी प्रक्रियाएं होनी चाहिए। तो यानी आज की डेट में इनको, अजय पटेल जी को 23 जून तक 760,689 रुपए जमा करने पड़ेंगे। लेकिन अब इनके साथ समस्या क्या है? समस्या नहीं बोलेंगे इसको, इसको ये बोलेंगे इनका रिटायरमेंट तो बहुत बाद में है 2023, तो आपको उसी प्रकार से अपने इंक्रीमेंट लेते हुए यदि 2030 तक आप अपनी बेसिक ले लेते हैं। हाँ, एक बात और मैं बता दूं यहीं पे, यदि आपका हिसाब किताब, मान लीजिए आपका हिसाब यहां तक आपने 30 जून तक कैलकुलेट किया 760,689 और ये यहां आप पैसा जमा कर देते हैं, तो आपको आने वाले दिनों में कोई भी, चूंकि आपका मंथली जो डिडक्शन होगा, जो मंथली डिडक्शन बन के आता है वो आपका 5,686 रुपए, ये वाली जो फिगर देखेंगे आप, ये वाला कॉलम देखेंगे, जो ड्यू है, जो डिफरेंस है, जो आपको जमा करना है पर मंथ, अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसलिए अब इंटरेस्ट पे करने का, इसीलिए मैंने इसको इंटरेस्ट को आगे के लिए जीरो कर दिया है, ये जीरो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो आपको जब आप मंथली ही देने लगेंगे तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ना आपको, इंटरेस्ट तो हमें उस पे देना है जो अमाउंट हमने नहीं दिया, ये तो आप आगे फ्यूचर में पे करेंगे, इसलिए आपको इससे आगे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। यानी आपकी जो मूल रकम होगी 1.16% लगा के प्लस 8.33% लगा के जो आपकी मूल रकम होगी वो आपकी मंथली अब अगले उस टाइम तक जाती रहेगी। तो इस तरह यदि आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अब इसमें ये 760,000 जो हमें यहां जमा करने पड़ रहे हैं, इसमें केवल आपको मूल देना है, इंटरेस्ट नहीं देना है। तो इसलिए जो इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे, इन सब का मूल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मूल हमारा आता है, हम जब इंटरेस्ट इसमें देखते हैं, मंथली कंट्रीब्यूशन जब हम इसमें देखते हैं, तो ये हमारा जो मूल यहां जमा होता चला जाएगा, ये इस तरह हम टोटल करते चले जाएंगे इसको, और 2030 तक आपका जो ईयरली कंट्रीब्यूशन होगा, यहां ये ईयरली कंट्रीब्यूशन ये है प्लस पुराना कंट्रीब्यूशन लगा के 14,40,260 रुपए मात्र आपको जमा करने पड़ेंगे। मात्र मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके लिए ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन आज की डेट में उन कंपेरिजन में जो लोग आज जमा कर रहे हैं प्लस आज इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो फ्यूचर की डेट में यदि आप देखें तो फ्यूचर की डेट में जुलाई 30 तक, क्योंकि आपका अगस्त में रिटायरमेंट है, तो अगस्त 30 तक आपको 14,40,206 रुपए जमा करने पड़ेंगे। जबकि यदि मैं देखूं तो आपकी पेंशन कितनी बनेगी, आपकी पेंशन आपने 8 फरवरी 2014 को ज्वाइन किया है और इस तरह आपने पुरानी पेंशन स्कीम यानी एफपीएस में केवल 2 साल सर्विस की है, ये 2 साल से कम होता है लेकिन जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 2 साल लिया जाएगा, 2 साल होता है, और 29/8/2030 को आपकी 58 साल कंप्लीट होंगे। इस तरह आपने ईपीएस के अंदर 37 ईयर्स कैसे सर्विस करेंगे आप, ये 30 साल प्लस 5 साल पुराने 95 से 35 साल और 2 साल बोनस, इस तरह आप 37 ईयर्स तक सर्विस करेंगे आप उस समय तक, और आपकी जो एवरेज बेसिक हो रही है वो 1,08,976 रुपए हो रही है, ये पुराने 60 महीने लगा के, ये पुराने 60 महीने लगा के 2030 से बैक आप 5 साल जाइए और उसका एवरेज निकालेंगे तो 1,08,976 आता है आपका। और जो 28 साल जो इसमें मैक्सिमम 34 ईयर्स का फैक्टर दिया गया है, तो यहाँ 28 जरूर लिखा है लेकिन मैंने 34 ईयर का मैक्सिमम जो फैक्टर होता है वो लिया है, वो 13.13 आता है। और जिनकी बेसिक 2500 से कम थी
95 में जिनकी बेसिक 2500 से कम थी उनके लिए जो फैक्टर है वो ₹5 कम है, कम ईयरली कंपनसेशन है वो 85 की जगह ₹80 है, और ₹80 को यदि हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹1054 आपकी पेंशन बनती है, जबकि इसमें जो पुराने लोग हैं उनकी कम बनती है जिन्होंने एफपीएस में ज्यादा सर्विस की है। ये फैक्टर ही ऐसा बनाया गया है कि जिन्होंने एग्जिस्टिंग सर्विस यानी ईपीएस में ज्यादा सर्विस की है उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एफपीएस का, जबकि आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 साल ही था। एफपीएस में इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 साल है लेकिन इनको ₹1054 पेंशन मिल रही है जब एफपीएस की, जबकि यदि आप देखेंगे जिन्होंने 15-15-20-20 साल सर्विस की है उनकी केवल 500 और 700 ही बन रही है। तो इस तरह टोटल पेंशन, इस तरह हम ईपीएस पेंशन आपकी कैलकुलेट करते हैं। तो 57,000 वही पेंशन नंबर सर्विस सैलरी इनटू 37 इयर्स पेंसिबल सैलरी डिवाइडेड बाय 70 तो आपकी 57,602 रुपए सर बनती है और आपकी टोटल पेंशन बनेगी 58,056 रुपए, जबकि आपको 30 जून तक जमा करना पड़ेगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया ऊपर 7,60,000 रुपए 689, और यदि हम आज की डेट तक देखें तो आपको आज की डेट मतलब आपके 58 होने तक देखें तो आपको 14,40,206 रुपए जमा करने पड़ेंगे। इस तरह 14 लाख आपके लिए ये स्कीम बहुत ही बेनिफिशियल दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आप जब 58 कंप्लीट करेंगे तो आपकी पेंशन बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आपकी नंबर ऑफ सर्विस ज्यादा हो, नंबर ऑफ इयर्स ज्यादा हो रहे हैं और नंबर ऑफ इयर्स जो है सर्विस के, नंबर ऑफ इयर्स सर्विस के ईपीएस में आपके ज्यादा हो रहे हैं, 37 इयर्स हो रहे हैं, इसलिए आपकी पेंशन 58,000 समथिंग बनेगी, 58,656 बनेगी और आपकी ओल्ड पेंशन नहीं बनेगी बिल्कुल भी। क्यों? उसका कारण यह है, क्यों? क्योंकि आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी चेंज हो चुकी होगी, जैसे आज ही चेंज हो जा रही है। यदि मान लीजिए ये पॉलिसी के का फाइनल हिसाब किताब अभी 1-2 महीने में हो जाता है तो फिर पुरानी पेंशन थोड़ी मिलेगी किसी को, तो फिर तो नई पेंशन ही मिलेगी, इसीलिए हमने ये ओल्ड पेंशन आपके लिए कैलकुलेट नहीं की है। आपके लिए ओल्ड पेंशन की का कोई भी मतलब नहीं है, इसीलिए आपकी ओल्ड पेंशन नहीं बनेगी, आपको केवल न्यू पेंशन मिलेगी उस दौरान, और आपको उस दौरान तक 14,40,206 रुपए जमा करने पड़ेंगे, और जबकि आज की डेट तक यानी 30 जून तक देखें तो आपको 7,60,000 आज तक जमा करने पड़ेंगे ब्याज सहित। तो यह है आपकी सर टोटल कैलकुलेशन, आप इससे देख के ये सोच सकते हैं और ये खुश हो सकते हैं कि आपकी पेंशन बुरी नहीं है। ये आपकी 56,000-58,000 बेसिक 58,000 पेंशन, जबकि आपकी उस समय बेसिक जो रही होगी आपने निकाला है 1,34,000, तो 1,34,000 का लगभग आप देख लीजिए 58,000 लगभग 45% पेंशन अपने आप ही आ जाती है। यदि मैं ये परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज में मैं देखता हूं, अभी परसेंटेज कैलकुलेट करके देखते हैं आपके सामने ही कि इसको देखते हैं, यहां पे हम ये इक्वल दिस पेंशन डिवाइडेड बाय उस समय की बेसिक, तो ये यदि मैं एंटर कर दूं तो आपके 43.64% इंटू 100 और हो जाएगा इसमें 43%, यानी उस समय की बेसिक का लगभग 44% 43.64% आपकी पेंशन बनेगी। तो इस तरह यह है आपका संपूर्ण डेटा अजय पटेल जी, आप इसे स्टडी कर सकते हैं और आप इसको जो है आप पूरा का पूरा आप इसे देख लीजिएगा, ये आपके हिसाब से ये और भी बहुत लोगों को काम आएगा। मेरे हिसाब से ये आप जिन लोगों की बेसिक कम है और जिन लोगों को बाद में रिटायर होना है यानी 2030-31 में जिनके भी रिटायरमेंट है वो इस प्रकार से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरे इस तरह की कैलकुलेशन प्रोड्यूस करने का मतलब और सीट बनाने का मतलब ये होता है कि जिससे दूसरे लोग भी ऐसी ही कैलकुलेशन करके अपना कैलकुलेशन कर लें और अपना इस कैलकुलेशन सीट से फायदा उठा लें। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खुश होंगे, और यदि आप, एक और निवेदन है मेरा
कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देखते हैं। एक ही वीडियो को आप देखेंगे, इसमें एक ही वीडियो को 120,000 के लगभग लोगों ने देखा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने वाले लोग सिर्फ 5-6 हज़ार लोग ही हैं। तो इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल पे जो भी मुझे ऐसी फिगर भेजेगा, तो हम जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम उसकी कैलकुलेशन करके उनको देते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।